मेरा नाम प्रतिमा है। मैं उन औरतों में से हूँ जो शादी के कुछ दिन ही खुशियों भरी जिंदगी गुजारती है और फिर तरह तरह की मुश्किलें उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। मेरी शादी मेरे पति अरविंद से लव मैरिज थी, जिस वजह से उनके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक गरीब परिवार से था और यही मेरा गुनाह था। मेरे पति ने अपने घर वालों से लड़कर ना सिर्फ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया बल्कि अपने घर में भी इज्जत दिलाने की पूरी कोशिश की। जब तक मेरे पति घर पर होते उनकी माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा होता, लेकिन उनके घर से जाते ही मेरी सास अपनी कड़वी जुबान से मेरी जिंदगी में जहर घोल देती। शादी के पहले महीने में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी सास तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी कि मैं तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, चरित्रहीन थी। मैंने उनके मासूम बेटे को अपनी जाल में फंसाया ताकि जल्द से जल्द उससे शादी कर अपने दामन पर लगे दाग को छुपा सकूं, और बहुत सी बातें वह मुझे सुनाती जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। मेरी कोख में पल रहा बच्चा मेरे पति का ही था, लेकिन मेरी सास मुझे हर वक्त जलील करती और ताने देती। मेरे पति अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में गए थे और उन्हें मेरे प्रेगनेंसी की खबर नहीं थी। मैंने सोचा था कि जब वो घर पर आएंगे तो मैं उन्हें यह खबर सुनाऊंगी और वही अपनी माँ को बताएंगे, यह बच्चा उनका ही है। पर किस्मत ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी और मेरे पति जिंदा लौट कर नहीं आए बल्कि उनकी लाश घर पर आई थी। वह किसी हादसे का शिकार हो गए थे। उनकी मौत की खबर ने हम सबको तोड़ कर रख दिया। हमारे घर में कोहराम मच गया और मेरी सास ने बालों से पकड़कर मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरी सास मुझे मारते हुए ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बक रही थी और मैं पत्थर बनी हुई अपनी सास को देख रही थी। वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मेरी सास के चुंगल से मुझे बचाया तो मेरी सास रो रो कर कहने लगी कि मेरे बेटे को पता चल गया था कि मेरी पत्नी के कोख में पल रहा बच्चा उसका नहीं है और इसलिए वह इस दुनिया से चल बसा। सब इस बच्चलन औरत की वजह से हुआ है, इसने अपनी करतूतों से बेटे को मार दिया। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर मेरी सास झूठ पर झूठ मुझ पर इल्जाम लगाती जा रही थी और वहां पर मौजूद लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वाकई में मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। मैं अपने हक में एक लफ्ज भी नहीं कह पा रही थी। मेरी खामोशी ने मेरे दामन पर पूरी तरह दाग लगा दिया था। मेरे पति की अर्थी भी नहीं उठी थी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं ससुराल से बेसहारा होकर मायके पहुंची तो वहां पर भी मेरा ठिकाना नहीं था। मेरी भाभी ने मुझ पर ताने कसते हुए कहा, जो औरत अपने पति को खा गई वह हमारे घर को भी खा जाएगी। मैंने हाथ पर जोड़े तो किसी तरह मुझे मेरी भाभी ने रहने की इजाज़त दे दी। मैं पेट से थी लेकिन मेरी भाभी मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती। मेरी भाभी का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं खाली हाथ थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। रास्ते में मेरे पति के दोस्त अरुण मिल गए। मेरी हालत देखकर उनको मुझ पर तरस आया और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले जाकर सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी। यहाँ से मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया और मैं उनके बंगले की नौकरानी बन गई। मेरे लिए तो यही बहुत था कि मुझे इज्जत से सर छुपाने की जगह मिल गई। और पूरे 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा आदित्य गोद में आया तो मुझे जीने का मकसद मिल गया और उस दिन से मैंने ऐसी मेहनत शुरू कर दी थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिन बदलने लगे और मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं चाहती थी कि मैं अपने बलबूते पर कुछ ऐसा करूँ कि मेरे बेटे को किसी के आगे झुकना ना पड़े। वो बड़ा होकर भले ही छोटी नौकरी करे पर किसी के एहसानों तले ना पले। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था पर मैं घर पर इस कदर उसकी पढ़ाई में मेहनत करती कि
कि वह हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आता। देखते ही देखते वह 17 साल का हो गया। 12वीं की पढ़ाई के बाद मैंने उससे कहा कि बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब मेहनत शुरू कर दो, कोई छोटी सी नौकरी तलाश करो और उसी के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी करो। मेरे बेटे ने कहा, माँ आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे जल्द से जल्द कोई नौकरी मिल जाए। और वो अपनी कोशिश में लग गया। पूरे एक हफ्ते बाद उसे शहर के एक बड़े मॉल में नौकरी मिल गई थी। वह अपनी इस नौकरी से खुश नहीं था। मैंने उसे समझाया कि बेटा, नौकरी छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, इंसान को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। तुम भगवान का नाम लेकर शुरू करो, देखना धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाकई में कुछ वक्त में हमारे हालात कुछ बेहतर हो गए थे। आदित्य को ठीक ठाक पेमेंट मिलने लगी तो मैंने बंगले वाली नौकरी छोड़ दी। यूँ तो मैं वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आदित्य को मेरा उस बंगले पर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उसे तो अरुण अंकल से भी बहुत शिकायत थी। वो कहता, अरुण अंकल ने आपकी मदद नहीं बल्कि उन्होंने तो आपको अपने बंगले की नौकरानी बना दी। आदित्य की बात सुनकर मैं हंस पड़ी। कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, लेकिन जो भी था, अरुण की वजह से मुझे इज्जत की छत तो मिली थी, वरना शायद मैं अपनी इज्जत भी गवा बैठती। मेरे भाई ने कभी मुझे पलट कर नहीं देखा था और मैं अपने ससुराल वालों को भी भूल चुकी थी। मेरी जिंदगी में जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा आदित्य था। आदित्य को यह नौकरी करते हुए 4 महीने गुजर गए थे। एक शाम को वो माल से बहुत कीमती परफ्यूम लेकर आया और मेरे हाथों में पकड़ाते हुए कहने लगा, माँ मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। उस परफ्यूम की सीसी बता रही थी कि ये बहुत महंगा परफ्यूम होगा। मैंने उसे अपने हाथों में पकड़ा और कहा, इतनी महंगी परफ्यूम तुम कहाँ से लेकर आए, इसकी क्या जरूरत थी। आदित्य ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहने लगा, माँ तुमने सारी जिंदगी बगैर खुशबू के गुजार दी, मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी खुश रहो, इसलिए तोहफे में तुम्हारे लिए खुशबू लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें जिंदगी की खूबसूरती का एहसास हो। हर रात इस परफ्यूम को लगाकर सोना तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी और मुझे भी खुशी होगी। आदित्य की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि उसे मेरी खुशियों की परवाह थी। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैंने अपने बेटे को किन किन परिस्थितियों का सामना करके पाला है और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। यह सब सोचकर मेरी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। मैंने आदित्य का माथा चूमा और वह परफ्यूम संभाल कर रख दिया, पर मुझे यह परफ्यूम बहुत महंगी लगती थी। मेरे पूछने के बाद भी आदित्य ने मुझे इसकी कीमत नहीं बताई। वो कहने लगा कि माँ ये तुम्हारे लिए तोहफा है और तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, बस खुशी और प्यार होता है। रात में जब मैं सोने के लिए लेटी तो आदित्य मेरे कमरे में आया और कहने लगा, माँ मेरा लाया हुआ परफ्यूम तो लगाओ, मुझे खुशी होगी कि मेरी माँ ने मेरे तोहफे को पसंद किया। बेटे की खुशी देखकर मैंने वो परफ्यूम लिया और अपने ऊपर स्प्रे कर लिया। मेरे परफ्यूम लगाते ही आदित्य का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो गुड नाइट कहकर अब मेरे कमरे से निकल गया। मैं बिस्तर पर लेटी और मुझे ऐसी नींद आई कि मेरी आँख सुबह ही खुली। यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी नई साड़ी पर बड़े बड़े शाही के धब्बे लगे थे। मैंने हर तरह से चेक किया पर पता नहीं वो धब्बे कहाँ से लगे थे। मैंने जल्दी से उस कपड़े को धोकर डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी धब्बे नहीं हटे। आदित्य को 11 बजे मॉल जाना था, इसलिए वो 10 बजे कमरे से तैयार होकर निकला तो मैं परेशान बैठी थी। मुझे परेशान होता हुआ देख वो मेरे पास आया और पूछने लगा, माँ आपको क्या हुआ है, आप इतनी परेशान हैं। मैंने उसे बताया कि पता नहीं कैसे मेरे कपड़ों पर शाही के धब्बे लग गए हैं। मेरी बात सुनकर वह कुछ हैरान हुआ और फिर बोला, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है, मैं आपके लिए नई साड़ी लाकर दे दूंगा। मैं उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा बात नई साड़ी की नहीं है, मैं परेशान इसलिए हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और अब ये सब कैसे हो गया।
मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और कहने लगा, माँ आप भी ना छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाती हैं। मैं आपको नई साड़ी लाकर दे दूंगा ना। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। मैंने उसे नाश्ता दिया और वो निकल गया। पर मैं सारा दिन यही सोचती रही कि ये शाही मेरे कपड़ों पर कैसे लगी। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम को मेरा बेटा घर आया तो वो फिर से मेरे लिए एक परफ्यूम लेकर आया। मैंने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा कि ये इतने महंगे महंगे परफ्यूम लाने की क्या ज़रूरत है, अभी तुम कल ही तो इतनी महंगा परफ्यूम लेके आए थे। मैं वैसे भी कहीं आती जाती नहीं हूँ तो इतनी महंगी परफ्यूम लगाऊंगी। मेरी बात सुनकर आदित्य उदास हो गया और कहने लगा, माँ आप ही ने तो बताया था कि मेरे पापा को खुशबू बहुत पसंद थी और शादी के बाद आप बहुत परफ्यूम लगाया करती थी, तो आप मेरी लाई परफ्यूम क्यों नहीं ले रही है, वो उदासी से बोला। तो मुझे उसका उतरा चेहरा नहीं देखा गया, तो मैंने उसे कहा, अच्छा ठीक है तुम उदास मत हो, मैं इसे लगा लूँगी। उसने कहा, माँ रात में इसे लगाकर सोना, तो रात में सपने में आपको पापा नजर आएंगे। उसकी बात पर मैंने मुस्कुरा दिया। वाकई में मेरे पति को परफ्यूम बहुत पसंद थी। उस रात भी आदित्य के कहने पर मैंने परफ्यूम लगा लिया। पर जब सुबह सोकर उठी तो आज फिर से मेरे कपड़े साई से भरे हुए थे। यह सब देखकर मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आदित्य सोकर उठा तो मैंने फिर से उससे यह बात कही, तो वह कहने लगा, माँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं। आदित्य का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था जबकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं सारा दिन इन ख्यालों में घूम रही कि पता नहीं ये साई के धब्बे मेरे कपड़ों पर कैसे लग रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम को जब आदित्य घर आया तो फिर से एक नया परफ्यूम लेकर आया। मैंने आज बिना कुछ कहे उस परफ्यूम को रख लिया और फिर रात में लगाकर सोई तो फिर मेरे कपड़े पर वही शाही के धब्बे थे। मुझे समझ में आ गया था कि यह सब परफ्यूम लगाने की वजह से हो रहा था। दुकान वाला शायद मेरे बेटे को बेवकूफ बना रहा था और महंगे परफ्यूम के नाम पर कोई खराब चीज दे रहा था। और मुझे आदित्य पर गुस्सा आ रहा था कि जब उसे इन सब चीजों का पता नहीं है तो फालतू में पैसे क्यों बहा रहा है। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, दीदी कुछ खाने को दो, मैं सुबह से भूखी हूँ। मैंने उसे कुछ खाने को दिया और साथ में वो परफ्यूम भी दिया। कहने लगी, ये मेरे घर में ढेर सारा परफ्यूम जमा है, इसमें से कोई परफ्यूम ले लो। वैसे भी मेरा बेटा आज रात एक नया परफ्यूम लेकर आएगा, मैं इतना सारा रखकर क्या करूँगी। मैंने उस परफ्यूम को उसे देते हुए कहा, ये परफ्यूम बहुत महंगा और कीमती है, पर पता नहीं क्यों यह कपड़ों पर साई के धब्बे छोड़ देता है, जबकि इसकी खुशबू ऐसी है कि दिल को मोह लेती है। उस भिखारन ने उस परफ्यूम की सारी बोतल उठाई और उलट पुलट कर देखने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसे के हंसने का तरीका देखकर मुझे लगा कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी पर उसने मेरी एक न सुनी और वो बस हंसते ही चली जा रही थी। काफ़ी देर के बाद जब उसकी हंसी रुकी तो उसने उदास आंखों से मुझे देखा और कहने लगी, क्या तेरा बेटा भी उसी काम में लग गया है जो सालों पहले मेरे बेटे ने किया था, जिस वजह से आज मैं भिखारन बन गई हूँ। उस भिखारन की यह बात सुनकर मैं घबरा गई। आखिर वो क्या कहना चाहती थी, वो किस काम की बात कर रही थी, आखिर उसके बेटे ने क्या किया था। मैं बहुत परेशान हो गई और उससे कहा कि अब ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या किया था तुम्हारे बेटे ने और इस परफ्यूम में ऐसा क्या है। मेरी बात सुनकर उसने लंबी गहरी सांस ली और कहने लगी, तुम्हारे लिए भी यकीन करना मुश्किल होगा क्योंकि मैंने भी शुरू शुरू में यकीन नहीं किया था, लेकिन बाद में जब सारा सच मेरे सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम देर न करना और मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना। मैं तो अपने घर को ना बचा सकी लेकिन तुम अपने घर को जरूर बचा लेना,
उसकी बातों ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं तो पहले से ही विधवा थी और सारी जिंदगी दुखों में काटी थी। अब जाकर कहीं मैं अपनी जिंदगी में सुकून से गुजर रही थी तो अब मेरी जिंदगी में ये कौन सा तूफान आने वाला था। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, जल्दी बताओ, क्यों मुझे डरा रही हो, मेरी जान निकलती जा रही है। लेकिन उसने जो सच बताया मेरे तो होश उड़ गए। मैं नहीं जानती थी कि इस पर्व के पीछे इतना भयानक सच छुपा होगा। उसकी बात सुनकर मुझे लग रहा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाऊंगी। क्या मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने तो उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हजारों तकलीफों के बाद मैंने भी उसे अच्छी परवरिश दी थी, पर मेरा वही बेटा मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा था। मैं उसी जगह चकरा कर बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बेटे ने धोखा दिया। उसने मेरे भरोसों को तोड़ दिया था। मैंने तो उसे अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गई, क्योंकि मेरा बेटा एक गलत रास्ते पर चल पड़ा था। उस औरत ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि दीदी, मैं तो अपने बेटे को नहीं बचा सकी, लेकिन आप अपने बेटे को जरूर बचा लेना। यही कहकर वह चली गई। मैं उसे जाते हुए देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस भिखारन और मुझ में अब कोई फर्क नहीं रहा। वो भी खाली हाथ थी और मैं भी खाली दामन रह गई थी। एक लम्हे में मेरी सारी दुनिया तहस नहस हो गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और कमरे में आकर बैठ गई। ना ही मुझे खाने का होश था और ना ही पीने का। आज शाम फिर मेरा बेटा घर पर आया तो उसके हाथ में फिर से एक परफ्यूम की बॉटल थी। वो परफ्यूम मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा कि माँ देखो, मैं आपके लिए दूसरी नई महंगी खुशबू वाली परफ्यूम लेकर आया हूँ। मैंने आंसू छलकाते हुए अपने बेटे की तरफ देखा। मैंने आज तक उससे कभी सख्ती से बात नहीं की थी, पर आज मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। कुछ देर तक वो हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगा और फिर मुझसे पूछा कि माँ क्या बात है। मैंने रोते हुए ऐसा बताया कि मैं उसका राज जान चुकी हूँ। मैं जान गई हूँ कि रोज तुम मुझे इतनी महंगी परफ्यूम लाकर क्यों देते हो और मेरे कपड़ों पर साई के धब्बे कैसे आते हैं। तुम तो मुझे सीधा साधा समझकर बहुत बेवकूफ बनाया, पर अब मेरे आंखों की पट्टी खुल चुकी है। अब बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं रहा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब यह बातें मुझे पता चलेगी तो मुझ पर क्या गुजरेगी। आदित्य ने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा और कहने लगा, क्या दादी ने आपको घर से निकालते हुए एक बार भी सोचा। क्या मामा ने कभी पलटकर हमारा हाल पूछा कि क्या अरुण अंकल ने बिना किसी फायदे के हमारी मदद की। नहीं ना, यह समाज ही इतना खुदगर्ज है कि आप जैसी विधवा और मुझ जैसे अनाथ लड़के को बिना किसी फायदे के सहारा नहीं देना चाहता। अगर ऐसे में मैंने अपनी आगे की जिंदगी सुधारने के लिए कोई कदम उठाया तो आप मुझे गलत कैसे कह सकती है। आखिर मेरा गुनाह क्या है। यही ना कि अच्छी नौकरी ना मिलने पर मैंने इस रास्ते पर कदम रखा ताकि चार पैसे कमाकर अपने घर के हालत सुधार सकूं। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सब मैंने इसी समाज से सीखा है जहाँ पर सीधे साधे लोगों का गुजारा नहीं होता। अच्छे लोगों को लोग दबा कर रख देते हैं। आदित्य बोलता ही जा रहा था और मैं अफसोस भरी नजरों से अपने बेटे को देख रही थी। मैंने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वह इतना पत्थर दिल बन चुका था। मैंने उससे कहा कि जो तुम कर रहे हो वह बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हारी वजह से ना जाने कितने नौजवान नशे की लत में आ गए हैं। तुमने हमारे घर को नशे का अड्डा बना दिया है। वो मुझे आज एक भिखारन से पता चला कि जो तुम मुझे ये परफ्यूम लाकर देते हो ये एक बेहोशी की दवा है जो अपना असर खत्म करते ही साई का धब्बा छोड़ जाती है, और इसी परफ्यूम की मदद से तुम मुझे बेहोश करके अपने ही घर में नशे का अड्डा चलाने लगे हो। कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इस काम पर लगाया है। तुम किसके लिए काम कर रहे हो। आदित्य ने सर झुकाकर कहा कि माँ, जिस माल में मुझे नौकरी मिली थी वही पर एक आदमी ने मुझे इस काम पर लगाया और बदले में मुझे हजारों रुपए दे रहा था। मॉल में मैं सारा सारा दिन 12-12 घंटे शोकेस के आगे खड़े होकर
लोगों को सामान दिखाता, पर बदले में मुझे सिर्फ चंद हजार ही मिलते थे। मुझे पैसा कमाने का ये तरीका बहुत आसान लगा। शॉर्टकट जानकर मैंने यह काम शुरू किया और कामयाब भी हो गया। घर पर सिर्फ आप ही थी, इसलिए मैंने आपको बेहोश करके लड़के लड़कियों को अपने घर ले आता, और इस तरह पुलिस के पकड़े जाने का भी डर नहीं रहता और मेरे अच्छे खासे पैसे भी बन जाते थे। मैंने आदित्य को समझाते हुए कहा कि अगर तुम्हें अपनी माँ से थोड़ा भी प्यार है तो तुम अभी पुलिस को सारा सच बता दो और उसे गिरफ्तार करवा दो, जिसने ना जाने तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों की जिंदगी तबाह की है। बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है और मैं यह जानती हूँ कि एक अकेली माँ के लिए औलाद को पालना कितना मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा आदित्य इस नशे के चुंगल में फंसे और उसकी माँ जीते जी मर जाए। आदित्य ने मेरी बात को समझा और उसने जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और वह आदमी पकड़ा गया, जो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत बड़ी उसकी गैंग थी। पुलिस ने आदित्य के इस फैसले से बहुत खुश थी और उसे उन लोगों की तरफ से इनाम भी दिया गया। आदित्य अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करके आज एक होनहार पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है और मैं एक पुलिस वाले की माँ हूँ और हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।